अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज स्पेशल शो है। आई मीन व्हाट अ डे इट इज। 17 साल के बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई है, प्लेइंग इन अ बैकयार्ड नेशनल स्टेडियम कराची में आज पहला T20 मैच खेला जाएगा एंड अ वेरी लॉन्ग T20 सीरीज। 7 T20 मैचेस खेलेंगे हम इंग्लैंड के खिलाफ एंड 4 हो खेले जाएंगे कराची में, बाकी इन लाहौर। सो कराची आइट्स, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू सी इंग्लिश टीम इन एक्शन एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हमें करनी होंगी अबाउट कौन टीम मैच खेलेगा कौन नहीं। बल खबरें ये हैं, नॉट अ कॉन्फर्मेशन बट जस्ट खबरें ये हैं कि आज रिजवान सिट आउट करेंगे एंड मोहम्मद हारिस उनकी जगह टीम में शामिल होंगे और क्या कुछ प्रमोशंस होंगी क्या कुछ होगा ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। एंड एंड जस्ट अदर टीम न्यूज़ इंग्लिश साइड से, अगर आप लोगों नहीं पता तो अभी बता दें कि भी जॉस बटलर जो है वो इंजर्ड है, सो मोइन अली कप्तानी करें एंड इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि मोइन अली के रूट्स भी पाकिस्तान से हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े पाकिस्तानी कजन्स और अंकल्स ने कॉल किया है। सो दैट्स दैट। क्रिस वोक्स, मार्क वुड एंड रीस टॉपले, ये लोग सब इंजर्ड है। सो लेट्स सी कि दोनों टीम्स इस तरह कैसे कॉन्टेस्ट करती है। लास्ट हम मिले थे 2021 में जिसमें इंग्लैंड ने सीरीज जीती थी 2-1। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद गायो हुसैनी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी जो नेशनल स्टेडियम में मौजूद है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो आई थिंक जस्ट कमिंग बट बिफोर यू स्टार्ट फातिमा, श्योर अभी आप मोइन अली की बात कर रही थी, मैं आपसे पूछूं मोइन अली से ये नहीं बताया, वो उनके अंकल ने भी फोन किया, फूफा ने भी फोन किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा 4 टिकट कर देना, वो इसलिए ही तो नहीं उठा रहे। सिकंदर बख्त साहब आप मुझसे पूछ रहे थे टिकट मिलेंगे, फातिमा के पास बड़े टिकट है, वैसे मैं आपको बताऊं भट्टी साहब अगर आपको भी टिकट चाहिए फातिमा बड़े लोगों को टिकट देनी है। आप लोग मैं पब्लिकली करना चाहती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल कोई टिकट से, अगर आपके पास है तो आप लोग मुझे जरूर रابطہ करें और जो सबकी अच्छा, खाला और कजिन बन गई वो जो फूफो की बेटी को 4 टिकट दिया। हाँ नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रूमर्स मेरे बारे में फैलाए जा रहे हैं। बट एनीवे आई मीन सबसे पहले सवाल किस किस को फोन आए टिकट्स के, बट जस्ट किडिंग। सिकू, व्हाट अ हिस्टोरिक सीरीज हमारे साथ जो लास्ट ईयर हुआ, अबैंडन हुआ टूर, कितना नाराजगी हुई थी, ECB kept their word, उन्हें भेजी अपनी टीम, 17 साल के बाद अब इंग्लैंड खेलेगी। आई मीन इट इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह अल्लाह करके कहते हैं ना, कुफर टूटा वाली बात हो गई और उनको बहुत पहले आना चाहिए था। और हमारे जब हमने जो CEO बाहर से बुलाए हुए थे, चेयरमैन को भी इंग्लैंड से बुलाया हुआ था, तो वो सारे लोगों ने जो है इंग्लैंड की फेवर की थी, वो कहा था कि उनके पास बहुत बुरा वक्त है, उनको जाकर हमें मदद करनी चाहिए। उसी वक्त मैंने उनसे कहा था भाई हम तो मदद के लिए जा रहे हैं, वो कब आएँगे। तो एक साल के बाद अल्लाह अल्लाह करके वो आए। पिछले दिनों तो वो भाग गए थे, न्यूजीलैंड की टीम भी भाग गई थी, ये लोग भी आधे रास्ते से चले गए थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम मैच सीरीज शुरू हो जाए, ख़त्म हो जाए, दैट इज़ द पॉइंट। और इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज, इसलिए कि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मेरा सारा फोकस ये है देखने में कि कौन से लड़के इन होते हैं, कौन से आउट होते हैं और क्या चेंजेस करता है पाकिस्तान, जो कि उसे नीदरलैंड के खिलाफ करनी चाहिए थी वो इस दफ़ा करना चाह रहा है। लेट्स सी, मेरे लिए सारा इंटरेस्ट वही है। ठीक है, एनआईए जस्ट एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट आइसोलेट हो गए थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे छीन लिया गया, व्हाट डू यू थिंक चेंज? डू यू थिंक PSL एक बहुत बड़ा एम्बेसडर बना? यू नो हमने देखा है पास में डॉक्टर मामूली शाह ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया इन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल स्टार्स टू पाकिस्तान, कहाँ चेंज आपने देखा, व्हेन डिड इट चेंज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे? एब्सोल्युटली फातिमा, एक लॉन्ग प्रोसेस। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम की आपने बात की, सनत जयसूर्या को और कई क्रिकेटर्स को वेस्ट इंडीज़ के उन्होंने बुलाया, ये गालिबन 2012 की बात है, वर्ल्ड 11। देन उसके बाद जो माजी का क्रिकेट बोर्ड था नजम अजीज सेठी का, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, PSL को स्टार्ट किया, फिर 2017 में कदाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल हुआ, 2018 में कराची में आखिरी लेग के मुकाबले मुनक्किद हुए, 2017 में वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई, श्रीलंका आई, वेस्ट इंडीज़ आई, आहिस्ता आहिस्ता आइस ब्रेक हुई और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वापसी है उसमें ख़ास तौर पर हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे पुलिस, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिनकी अनथक कोशिश की वजह से आज ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। लेकिन फातिमा, मैं अब सीधा इस सीरीज़ के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि हम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में देख रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीत रहा था वो जा रहा था फील्डिंग करने के लिए, तो यहाँ पर ये पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस एतबार से कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा साहब जो हैं उन्होंने पिचेस के ऊपर खासी तवज्जो दी और कदाफी स्टेडियम लाहौर और कराची का जो नेशनल स्टेडियम है यहाँ के स्क्वायर में नई पिचेस जो हैं वो मौजूद हैं और पहला मौका होगा जब इन फ्रेश पिचेस के ऊपर मुकाबले होंगे। तो एक तो बाउंस देखना होगा और उसका मुझे नहीं लगता, मैं कल गया था रात को नेशनल स्टेडियम कराची, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बट मेरा ख्याल है थोड़ा सा टॉस जो होगा वो डाइसी होगा
क्योंकि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा एक कैसी फ्रेश पिच है उसके ऊपर वो क्या फैसला करेगा। और इंग्लिश प्लेयर्स कह रहे थे सिकू के इट्स अ हार्ड पिच एंड दे सी के वो स्किड थ्रू करेगी। सॉरी व्हाट वी नहीं याया से पूछा था पिचेस की बात हो रही है तो वो ड्रॉप इन पिचेस का क्या हुआ। नहीं ड्रॉप इन पिच अच्छा ड्रॉप इन पिच बाद में बात करें सॉरी बिकॉज हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद है। अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ है जो नेशनल स्टेडियम आई थिंक उनसे न्यूज लेंगे। भट्टी साहब ऑफकोर्स आप लोग सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंग्लिश जर्नलिस्ट साथ मिंगल भी कर रहे हैं बट ऑफकोर्स आजकल भट्टी साहब जो है घर से ज्यादा नेशनल स्टेडियम में वक्त गुजार रहे हैं तो इनको तो हर चीज का पता होगा। ओह इज ही हैविंग फिश एंड चिप्स। वेल भट्टी साहब यू नो हमें शान मसूद का काफी शोर मचा। आई मीन अच्छे उन्होंने रन्स बनाए T20 के इस कैलेंडर ईयर में 1248 रन्स बनाए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इज इन द न्यूज़ के वो खेलेंगे आज का मैच। और क्या खबर है आपके पास टीम न्यूज़ के हवाले से? देखिए फातिमा टीम न्यूज़ तो ये है कि मोहम्मद रिजवान जो टीम सोर्सेज बता रहे हैं कि आज अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर बैट्समैन वो खेलेंगे और हारिस को ओपनिंग कराए जाने का इम्कान है और फखर जमान चूंकि नहीं है इसलिए शान मसूद जो है वो फखर जमान के नंबर पर आएंगे। बाकी 9 खिलाड़ी वही लग रहे हैं जिन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला था। इंग्लैंड की टीम वहां ज्यादा फिटनेस के कंसर्न है, उनके तीनों फास्ट बॉलर अनफिट हैं, जॉस बटलर अनफिट हैं। उससे पहले जो टीम आई थी तो लिविंगस्टोन वो नहीं थे, बेन स्टोक नहीं थे, क्रिस जॉर्डन नहीं थे, तो इंग्लैंड को ज्यादा कंसर्न है। लेकिन पिच जिसकी अभी याया बात कर रहे थे बिल्कुल ये फ्रेश पिच है और यहाँ भी मैं तीसरे फ्लोर से ही देख रहा हूँ कि पिच बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही है। और जिस तरह हम शारजा की पिच देख रहे थे अब से 10-12 दिन पहले ये बिल्कुल उसी तरह की पिच है, कोई घास का नामो निशान नहीं है। लेकिन जो ड्यू फैक्टर की बात हो रही है तो कल भी मैं रात को तकरीबन 11:15-11:30 बजे यहाँ से निकला तो ड्यू का तो नामो निशान नहीं था। अदरवाइज अगर कराची में ड्यू होती है तो गाड़ी के शीशों पर थोड़ी सी नमी होती है लेकिन ड्यू पिछले 3 दिन से तो नहीं गिर रही यहाँ पर। ठीक है 7 T20 मैचेस में देखिए नेशनल स्टेडियम 5 टाइम्स जिसे वो जीती है टीम जिन्हें बैट किया है फर्स्ट। सो इंटरेस्टिंग टू सी के टॉस यू नो में क्या होता है। एंड आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया इंटरेस्टिंग अब हम जो सुन रहे हैं टीम न्यूज़ मोहम्मद हारिस को एक आई थिंक चांस मिल रहा है कि वो वापस आके अपने दिखाएं कि यू नो व्हाट इज़ ही वर्थ। 166 रन उन्हें बनाए अपनी 5 इनिंग्स में यू नो विद अ गुड स्ट्राइक रेट पेशावर जलमी के साथ भी और आपको याद होगा कराची किंग्स के साथ भी जब उनका डेब्यू हुआ था दिस वेरी इंपॉर्टेंट 49/27। सो लेट्स सी कि हारिस अब क्या करते हैं क्योंकि आई थिंक ही विल बी लॉट ऑफ अंडर प्रेशर बिकॉज ही इज़ इन अ वे रिप्लेसिंग रिजवान अभी। जी बिल्कुल नेचुरली यंग प्लेयर हैं और उनको चांस मिल रहा है और वो ओपनर के तौर पर खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि दो चीजें कि एक नौजवान को उसका नंबर मिल रहा है और वहां पे वो जितना जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो उनका पैशन है ऊंचे ऊंचे शॉट्स खेलने का उसको देखेंगे कि एक इंटरनेशनल खेलना और चीज होती है और एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना और चीज होती है। लेकिन वो यकीनी तौर पर बहुत काबिल और उभरते हुए नौजवान हैं जो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या दूसरी चीज हमारी ये फायदेमंद हो सकती है जो हम स्ट्राइक रेट पे बहुत शोर करते हैं पावर प्ले में बाबर और रिजवान पे तो क्या उस चीज को ये कवर कर सकेंगे। और उससे भी बड़ी बात फातिमा मेरा ख्याल है हमें ये दुआ करनी चाहिए कि बाबर आजम जो हैं वो फॉर्म में वापस आए, उनका अच्छा खेलना इंतहाई जरूरी है। सेकेंडली ऑब्वियसली शान मसूद भी अब दोबारा आए हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है और पूरी कौम तकरीबन उनके हक में बात कर रही थी, हम सब भी कह रहे थे तो इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। देखना अब सिर्फ सिचुएशन ये है कि जो इंग्लैंड का जो स्क्वाड है फातिमा हमारा तो जो है वो हम सबको पता ही है कि वही प्लेयर्स खेल रहे हैं और इंग्लैंड का स्क्वाड काफी बैलेंस है तो उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वाइट बॉल के सर्कल में ना वो कुछ नाम ना भी हो तो उनकी टीम अच्छा खेल जाती है। इंपैक्ट प्लेयर्स हैं जैसे बटलर हैं, हेल्स हैं, मोइन हैं। अच्छा बटलर तो फिट नहीं है लेकिन खेल नहीं रहे लेकिन हेल्स मोइन सॉल्ट विल जैक और फिर मलन ब्रूक जो है वो बड़ा अच्छा एंकर भी कर लेते हैं, परफॉर्मेंस बड़े शॉट्स भी खेल लेते हैं। फिर अब उनके पास वोक्स जो है मुझे याद है हमसे टेस्ट मैच ले गए थे बटलर और वोक्स। सैम करन मुझे बड़े पसंद है, बड़े ही वो जान मारने वाले नौजवान हैं, विली हैं तो इनमें बहुत सारे ऐसे उनके डिसेंट हैं हर डिपार्टमेंट में। मोइन और राशिद का जो रोल है
सॉरी आदिल रशीद का जो रोल है वो स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, खास तौर पे बाबर आजम के लिए. एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑल आईज ऑन बाबर एज वेल एंड एलेक्स हेल जो आए हैं 3.5 साल के बाद इंग्लिश टीम में, लेट्स सी व्हाट ही डज. एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात इंग्लिश टीम की भी करेंगे. कोई इतना अच्छा समर नहीं रहा उनका बाय द वे, साउथ अफ्रीका और इंडिया से वो सीरीज हार गए थे. बट कैन इंग्लैंड रियली पिक देमसेल्व्स अप? वी विल फाइंड आउट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एशिया कप के बाद पाकिस्तान इज रेडी टू बाउंस बैक. इंग्लैंड आई है 17 साल के बाद पाकिस्तान T20 सीरीज खेलने के लिए. बाय द वे दिस इज फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 मैच खेल रही है. एंड जस्ट अ क्विक अगर आपको हिस्ट्री बताएं तो 21 मैचेस खेले दोनों टीम्स के दौरान, जिसमें अपर हैंड रहा इंग्लैंड का जिन्होंने जीते 14 मैचेस एंड पाकिस्तान ने जीते 6 और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा. सो व्हाट हिस्ट्री कैन चेंज, एवरी डे इज अ न्यू डे, बट इज टुडे द डे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बताएंगे. सो या क्या आप देखिए, टीम चेंजेस के बारे में तो हमारी सब बात हो गई, अब आपने नेशनल स्टेडियम के पिच के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक टुडे, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है दे वुड वॉन्ट टू बैट फर्स्ट? बड़ा सवाल होगा फातिमा. और कल जब मैं बाबर आजम की ट्रॉफी की अनवीलिंग में जोस बटलर के साथ पिक्चर देख रहा था या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको देख रहा था, खैर ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े उनसे सवालात हुए, लेकिन बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज मुझे वो लगी नहीं. ऑन द अदर साइड अगर आप बात करें, अंडर प्रेशर तो होंगे, एशिया कप में सिर्फ 11.66 की औसत से 66 रन उनके क्रेडिट पर हैं, उनको परफॉर्म करना है. और वो कह रहे थे कि खिलाड़ी हर बार परफॉर्म नहीं करता, लेकिन एक नए ओपनिंग पार्टनर के साथ वो जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा. फिर नंबर 3 पर शान आएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बाबर आजम को लेनी होगी. लेकिन लोगों को उम्मीद है कि बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम जो है वो वापस आने की सलाहियत रखते हैं, तो आज हमारी बैटिंग जो है वो बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड. एंड जैसे को ऑल्सो यू नो ऑफकोर्स बाबर का बैट फॉर्म रहा, लाइक 68 रन इन 6 इनिंग्स इन एशिया कप, बट उसके साथ साथ ठीक है अब ऑल आइज ऑन बाबर तो हम बात करते हैं, बट क्या हम लोग जो लास्ट टाइम देखा है नवाज और शादाब को जैसे प्रमोट किया ऊपर जाके, डू यू थिंक हम आज भी मे बी वो रिस्क ले सकते हैं? नहीं, हमेशा लेना चाहिए. अच्छा, वाई नॉट? देखिए, ओपन रखना चाहिए ना यार, मतलब ये कि ये कोई, वही तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं होनी चाहिए कि आज हम ये करेंगे. नहीं, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा मिसाल दी थी कि जी सिचुएशन सिचुएशन एंड सिचुएशन, क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन पे खेली जाती है कि आज क्या सिचुएशन है, पिच की क्या कंडीशन है, किस किस्म का टारगेट चेस करना है, कैसे बॉलर हैं, उसका क्या पोजीशन हो गई है, उस हिसाब से खेलते हैं. आपने इतनी ज़बरदस्त चेंजेस की थी जब आपने नवाज को भेज दिया था भारत के ख़िलाफ़, उसने ज़बरदस्त किस्म का मैच जिता दिया. वही सिचुएशन जो थी वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ थी, तो आपने इफ्तिखार भाई को भेज दिया, बड़े भाई जो हैं वो बॉल और रन खेल गए, किसी ने कोई पूछा नहीं, उनके साथ उनके कप्तान थे वो भी मतलब है कि 8 की एवरेज 18 पे पहुंचा कर आउट हो गए. तो अगर ये सिचुएशन में आप खेलेंगे तो नहीं, आपको अपना गेम प्लान रोज़ाना के दिन बदलना पड़ेगा. और जो पिच की आप बार बार बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कैसी पिचें बनती हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसी बनती हैं. हाँ, होनोलुलु की पिच का हमें किसी को नहीं पता, इसलिए आज तक वहाँ क्रिकेट नहीं हुई. अदरवाइज सबको पता है कि पिचेस कैसे होती हैं, अर्ली मॉर्निंग अर्ली जो होती है वो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, जो फ़ायदा उठाना चाहेगा वो उठा सकता है और मेरे ख्याल से उठाना चाहिए. कराची में गेंद स्विंग भी होता है, हवा चलती है, तो मेरे हिसाब से अगर हम टॉस जीते तो ज़रूर फील्डिंग करें. और अगर 3-4 ओवर बहुत अच्छे गिरे, कल जब मैं फाइनल देख रहा था उसमें भी गेंद स्विंग हो रहा था, मगर KP वालों ने अपनी जगह पर गेंद नहीं की, तो यू हैव टू बॉल एट अ गुड लेंथ तो आपको विकटें मिल सकती हैं. ठीक है, आलिया, यू नो वी बीन फेयरिंग वेल विद चेजिंग, बट आई डोंट नो अगर हाउ आई फील टुडे, बट ऑब्वियसली टॉस विल डिसाइड कि कौन एडवांटेज उठाएगा. बिल्कुल, जो यही पता चला है कि सपोर्टिंग पिचेस होंगी. सपोर्टिंग का मतलब ये है कि बैटिंग में भी बॉल बल्ले पे आएगा और कंफर्टेबल होगा बैट्समैन के लिए, और थोड़ी बहुत यकीनी तौर पे हेल्प जो है खास तौर पे नई बॉल से वो यकीनन फास्ट बॉलर्स को भी मिलेगी. पाकिस्तान को जो एज है इनके इंग्लैंड के ऊपर वो फास्ट बॉलर्स का हमारे है, जो कि डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छी गेंद करते हैं. उनके फास्ट बॉलर, उनके जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उन रन ज़्यादा देते हैं, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एडवांटेज होगा और पाकिस्तान को ये एडवांटेज भरपूर लेना चाहिए. हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमने देखना है कि क्या अब हम उसी मेथड के साथ जा रहे हैं जिससे कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, या हम थोड़ा सा अपनी सोच में चेंज लेके आ रहे हैं और हम ये कर रहे हैं कि अब शान मसूद चूंकि वन डाउन आ रहे हैं तो हम तकसीम करें उस सारी जिम्मेदारियों को,
आपके सब जो हैं वो इक्वली उस आपके कंट्रोल में आपका रन रेट रहे और आपकी टीम जो है वो फिनिश करे जीत के ऊपर. तो यहाँ सबको अपना रोल निभाना होगा. लेकिन ये जो बात हो रही है जिससे हम पहले भी बात की है, इनको हर सूरत में जहाँ भी सिचुएशन के मुताबिक ज़रूरत है शान के बाद ये कोशिश करें कि शादाब को भेजें या नवाज को भेजें. शादाब ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा हमें वल्नरेबल लगता है, बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल वल्नरेबल नहीं है, आप लोग गलत कहते हैं, वो तो 100-100 छक्के भी मारते हैं, एक दिन में प्रैक्टिस करते हैं और मैचेस जितवाते हैं. अल्लाह करे कि सब अच्छा खेलें, सब जीतें. अगर ट्रस्ट किया है मैनेजमेंट ने, कप्तान का इतना बड़ा ट्रस्ट है, तो आपको उसकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरना है, क्योंकि पैसे तो सब बराबर ही लेते हैं ना. हाँ, टिकट वसूल होना चाहिए भट्टी साहब. क्या हमें भी आज 100-100 छक्के देखने को मिलेंगे? फातिमा, नॉर्मली नेशनल स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए साजगार होती है, और जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त जो पिच नजर आ रही है ये तो बिल्कुल एक बैटिंग के लिए साजगार है. हो सकता है थोड़ा गेंद रिवर्स स्विंग हो जाए, थोड़ा स्पिनर्स को मदद मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में बैट्समैन डोमिनेट करेंगे. लेकिन इंग्लिश टीम, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमने की कि उनके कुछ प्लेयर अनफिट थे, वो पाकिस्तान नहीं आए, कुछ यहाँ आकर अनफिट हो गए. अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच थे रिचर्ड डॉसन, 3 दिन पहले उनको हिप की इंजरी हुई थी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में, तो अब वो रूल आउट हो गए और वो वतन वापस जा रहे हैं. वो सीरीज में मजीद पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, तो इंग्लैंड के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है. और जिस तरह आप भी बता रही थी कि इंग्लैंड की जो पिछली 3 T20 सीरीज है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज, तीनों में वो हारा, जबकि पाकिस्तान ने इस साल तो एशिया कप खेला एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. बिल्कुल, तो आई थिंक्स कैन चेंज भट्टी साहब. सॉरी भट्टी साहब, बस अब टाइम नहीं है, बट डोंट वरी, हम आपसे आगे जा रहे यू नो अपडेट्स लेते रहेंगे जियो न्यूज़ पे. सो 17 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड के लिए, अब तो यू नो यू हैव सी क्रिकेट प्लेइंग इन योर बैकयार्ड. 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा. मेरे साथ बाकी सब गेस्ट का बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी विल सी यू टुमारो विद होपफुली अ गुड रिजल्ट. अल्लाह हाफिज़.